मैं श्रुतिका, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। आई डालते हैं अच्छी खास खबरों पर एक नजर। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस की अंतर जनपदीय शातिर बदमाशों से सीधे मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में सरगना समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों ने हाल ही में भट्टा मालिक से 18 लाख की रंगदारी वसूली थी। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी किए गए लाखों के सोने चांदी के जेवर और बड़ी संख्या में तमंचा और कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। देर शाम थाना जयतीपुर अंतर्गत एसओजी शाहजहांपुर और थाना जयतीपुर की संयुक्त टीम द्वारा एक साहसिक मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जो इसका गिरोह का सरगना है रमेश प्रधान, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इनमें ये अलग अलग तरह के अपराध में संलिप्त रहते हैं, जैसे नकबजनी है, शराब के ठेकों पर शटर काट के चोरी करना, गाड़ियों से डीजल निकाल लेना, भयादोहन करना, इस तरह के अपराध इनके द्वारा कारित किए गए हैं। और इनमें इनसे पूछताछ में कुल मिला के 4 जनपद शाहजहांपुर के, एक थाना जयतीपुर के अभियोग के अलावा जनपद बरेली, जनपद फरुखाबाद और जनपद बदायूं के अभियोगों का भी अनावरण हुआ है। इनके कब्जे से, इन घटनाओं से संबंधित 7,17,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं और लगभग 5 लाख रुपये कीमत के सोने और चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं, जो विभिन्न घटनाओं से संबंधित हैं। इसके अलावा एक पिकअप गाड़ी है और 2 मोटरसाइकिल है, जिनसे ये ट्रैवल करते थे घटनाओं करने के लिए, और 5 अवैध तमंचे और 10 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और इनके अन्य जो डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर भी इनके द्वारा की गई अन्य घटनाओं के संबंध में जानकारी की जाएगी। इनके विरुद्ध थाना जयतीपुर में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर फरुखाबाद से है, जहां थाना कमालगंज के निवासी अरुण कुमार गुप्ता को न्याय नहीं मिल रहा है। बता दें कि अरुण कुमार गुप्ता ने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि परिवार के लोगों ने हमें झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश रची थी। साजिश नाकामयाब होते देख झूठे मुकदमे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तभी कमालगंज के थाना अध्यक्ष ने सही जानकारी कर न्याय कर भरोसा दिलाया है। पीड़ित परिवार के सगे संबंधी सारा पैसा लेने के बावजूद भी मकान खाली नहीं कर रहे हैं। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका और जो मामला आपका चल रहा है, पूरा मामला क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई उसकी? मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति गुप्ता है एंड मैं यहाँ कमालगंज की निवासी हूँ। मामला ये था कि हमारे चाचा जी हैं रवि गुप्ता एंड चाची जी शिवांगी गुप्ता। तो हमारे पापा जी मीन्स हमारे ससुर जी ने चाचा जी से उनका घर खरीदने का सौदा दोनों में आपस में फिक्स हुआ था। तो जो सौदा था वो बाग उनको देना था और उन्हें हमारा उनका घर हमारे नाम करना था। तो ऐसे आपस में एक दूसरे का बैनामा हुआ, उन्होंने बाग का बैनामा हमारे हमने बाग का बैनामा उनके नाम किया और उन्होंने अपने घर का बैनामा हमारे नाम कर दिया। तो जब ये सब चीज़ हो गई उसके बाद क्या था कि उन्होंने कहा कि अभी हम अपना घर खाली नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद घर खाली करेंगे क्योंकि अभी हम कहाँ रहेंगे जाके। तो पापा जी ने भाई के उसमें उन्हें रहने दिया, उनसे कुछ भी नहीं इस बारे में कहा कि मतलब कि आप घर खाली करिए, कुछ भी है। एक दो बार कहा भी तो उन्होंने कहा अभी नहीं, थोड़े दिन बाद करेंगे। तो उसके बाद जब हम लोगों को 5 फरवरी को सुनने में आया कि ये कहीं और भी अपना घर बेच रहे हैं, उसी जगह का फिर से बयाना ले लिया किसी और से जो हमें बेच रखी थी। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जिससे ये सौदा कर चुके थे, वहाँ से पता किया, ये कंफर्म हुआ कि ये मतलब ये बात सच है। तो हम लोग जो हमारी पूरी फैमिली थी तो हम लोग बात करने के लिए उनके घर की साइड गए। तो हमने बात करी उनसे, तो हमारे पापा जी और मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ देवर सब लोग उनसे बात कर रहे थे कि चाचा जी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारा तो पूरी तय हो गया, हमने आपको रहने दिया। तो वो बोले कि हमने ऐसे, पहले उन्होंने बोला हमने ऐसा नहीं किया है, फिर जब उन्होंने एविडेंस दिखाया तो उन्होंने कहा आप जो करना है वो कर लो, हमने किया है ऐसा। और चाची जी भी हमारी मतलब उसमें करने लगी, अब तुम लोगों पे ज़्यादा बकवास करोगे तो ये धाराएं लगाएंगे, करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग मतलब आपस में ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। तो हम लोगों ने कहा बहुत हो गया, अब मतलब अब आप लोग हमारा घर खाली करिए। उस बीच में जब हम अंदर गए तो हमारे देवर ये मोहित गुप्ता, इनके सर पे उन्होंने जो बंदूक की बट होती है वो मार दी। उस टाइम वो उसी टाइम का ये एविडेंस है जो कि उन्होंने रिकॉर्डिंग में नहीं दिया है, जो वो हर जगह CCTV फुटेज दे रही हैं उसमें वो सब चीज़ कट कर करके दे रही हैं, स्लो मोशन फास्ट मोशन में करके, बस उतना ही दिया है जिसमें हम लोग आसपास दिखाई दे रहे हैं। जिसमें इनकी बेटी आयुषी गुप्ता के पास मतलब जब कोई झगड़ा होता है तो उसमें आसपास एक दूसरे को होते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा कट किया है आयुषी गुप्ता के पास में, उनके भाई को दिखा दिया, मतलब भाई बहन का जो रिश्ता था उसको भी इन्होंने बिल्कुल ही गंदा कर दिया।
उसको दिखा दिया और उस पर इन्होंने पॉस्को का एक्ट लगवाने की कोशिश करी है और अपने ऊपर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, वो भी इन्होंने कट करके वीडियो दिखाया, पूरा वीडियो नहीं दिखाया जिसमें कि मेरे देवर का सर फोड़ा है, उन पर गलत तरीके से हमला किया है, मेरे जेठ जी को के ऊपर हमला किया, कुछ भी उसमें नहीं दिखाया गया है, बस अपना वो दिखाया गया है जितना उसको हम लोग को फंसा सके और ये घर जो है वो गैर कानूनी से वो ये जो लड़ाई हुई थी ये क्या उनके घर पे हुई थी कि यहाँ पर हुई थी? उनके घर पे हुई थी, हम लोग उनके घर पे ही गए थे। तो हमारा घर है, घर तो हमारा हो गया था बट जब हमने सुनने में आया वो रह रहे थे हमारे घर में तो हम उस साइड ही गए थे हम लोग बात करने, नॉर्मली जो बात करी जाती है, बट उन्होंने इस तरीके से हमें मतलब वो कर दिया, मतलब एक उकसाना कि मतलब हम लोग को गुस्सा आए तो हम लोग गुस्सा आया हम लोगों को तो हम लोग उस साइड गए। अब जब हम गए तो आपस में अगर कोई भी मारपीट होती है कुछ भी होता है तो भाई किसी मुस्लिम को ये घर देके जाएंगे तब तुम लोग को पता चलेगा, तो ये लोग बहुत डिप्रेशन में रहते थे उस टाइम, तो हम लोग जो घर की लेडीज थी हम थे मम्मी ये लोग समझाते थे चलो ठीक है घर ही तो खरीदना है प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो हमने घर खरीद लिया। दाखिल खारिज भी हुआ है सर? जी दाखिल खारिज भी हो गया है। वो कौन सी तारीख को हुआ? ये सर ये फरवरी में हुआ है सर। जब आपने मकान बेनामा कराया था तो उसमें गवाह भी होंगे आपके साथ? जी जी गवाह भी है सर, गवाह में सर विजय गुप्ता है, एक अरुण शुक्ला जी है। और उस बाग का बेनामा आपने कर दिया था? जी सेम डे हुआ है। तो अब ये मतलब मकान खाली नहीं कर रहे, सारा विवाद मकान का ही, जो भी आपके ऊपर धाराएं लगाई, मकान खाली ना करने की वजह से ही ये उल्टा हम लोग को सुना रहे ताकि हम दब जाएं और मकान ना लें और ये आराम से रह सके। नहीं तो प्रशासन की मदद तो आपने क्यों नहीं ली मकान खाली कराने के लिए, क्योंकि आपका बेनाम हमने एप्लीकेशन दर्ज कर दी, बात करने ही गए थे, बात करने पे ही उन्होंने लड़ाई के अभद्र टिप्पणियां की, हमारे पिताजी के ऊपर उकसाना शुरू कर दिया जो कि हम लोग विवाद कर रहे हैं। छोटे भी आप लोग, आपने कोई कार्रवाई की किसी प्रकार का, कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की? जी हमने न्यायालय से मदद मांगी जब चूंकि मुझे यहाँ कमालगंज थाने से मदद नहीं मिल पाई थी। तो ऐसा क्या कारण रहा कि पुलिस जो है सिर्फ एक तरफा ही सुन रही है? इनकी खोपड़ी फटी और उन्हें पैसा लेके उधर रात में छोड़ दो और इन्हें बैठा रहे रात भर, सवेरे एक सही क्यों चाह रहा हूँ उल्टा कर दो। काफी दबंग लोग हैं, शिवांगी गुप्ता हर किसी को हर केस में फंसाने की कोशिश करती हैं, इसलिए इनके सबके नाम ये जो शिवांगी गुप्ता जी हैं इनके नाम एक फाइनेंस कंपनी भी है माँ पीताम्बरा ट्रेडिंग कंपनी, जिसमें लाखों लोग मतलब लाखों रुपए का गबन किया गया है, कस्बे के जो जमीन पे फुटपाथ पे काम करने वाले रेडी मतलब ठिलिया लगाने वाले उनका तमाम पैसा जमा हुआ और वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं, वो इस तरीके के इंसान हैं। तो उस केस में किसी उन्होंने किसी ने उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ एप्लीकेशन दिया हुआ है? एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन बहुत है, थाने में पैसा लग जाए फाड़ के भेज दो। इसी के उनके खिलाफ कई केसेस हैं, उनके हस्बैंड के खिलाफ तो बहुत केसेस हैं 420 के, लेकिन वो अब 3 लाख की चेक दूसरे के नाम से लगाई थी, लोग फाइनेंस भी लग चुके। अच्छा उनके पास कितने ऐसे ग्राहक हैं जो जिनका जो पैसे लेके ही बैठी हुई? कम से कम 500 होंगे। क्या उसकी किस्त चलती है क्या? जी किस्तों द्वारा पैसे लेती हैं, कैसे पैसे लेती हैं? किस्तों द्वारा पैसे जमा होने का जो एक इनका स्कीम का फंडा है, तो ये पैसा सारा इन्होंने गवन करके ये बता दिया ये बैंक चली गई, जबकि इसके डायरेक्टर ये खुद है शिवानी, इसके डायरेक्टर रवि गुप्ता शिवानी गुप्ता। खबर शाहजहांपुर से है जहां दबंगों की पिटाई से घायल परिवार पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया। आपको बता दें कि परिवार अपने साथ पेट्रोल लेकर गया और आत्महत्या की धमकी दे रहा है। पुलिस पर दबंगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई ना होने से परिवार नाराज है। फिलहाल पुलिस मौके पर परिवार को टंकी से उतारने की कोशिश में जुटी हुई है। घटना थाना निगोही कस्बे की है। क्या उनकी मांगे थी और किस तरह से आश्वासन दिया गया? बाद में इनका जो है कि दूसरे पक्ष से विवाद हो गया था, क्योंकि कल होली थी, दोनों पक्षों में मारपीट हुई, मारपीट होने के बाद दोनों पक्षों ने मुकदमा लिखा दिया। जो दूसरा वाला पक्ष है वो हॉस्पिटल में एडमिट है,
रात में डॉक्टर उपलब्ध ना होने की वजह से जो है इतना मेडिकल नहीं हो पाया, तो उनकी यही डिमांड थी कि साहब हमारा मेडिकल नहीं है, मेडिकल करवा दिया। तो मेडिकल कराने के लिए तो हम लोग ऑलवेज रेडी रहते ही हैं। तो क्या आश्वासन दिया गया परिवार? आश्वासन ये थी कि जो भी इनकी शिकायत है, अब ये कह रहे हैं कि इनके घर पर कोई कब्जा करना चाहता है, तो उसको भी हम रेवेन्यू विभाग की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम बना करके उसकी जाँच करवा लेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी। तो क्या वजह क्या थी? मेरे को मकान है, मकान ये लोग कब्जा कर ले रहे हैं हमारा। हाँ, जब दो दो गेट लगा रखे हैं, कहने मैं गेट फिर से तोड़ दूंगा, नहीं आगे वाली जगह बेच दे। ये देखो कौन लोग हैं, पांच लोग हैं पड़ोस में हमारे। ये देखो हमारे टंकी पे चढ़ने के सर वहाँ हमसे 15,000 रुपए मांगे गए, कहने भाग जा, हम तेरी नहीं सुनेंगे। 15,000 रुपए डॉक्टर ने मांगे, यहाँ से भी भगा दिया। हाँ, हमारी औकात नहीं है 15,000 रुपए हम कहाँ दें। हमें 1.5 साल बाद आया, क्या मांग क्या तुम्हारी? हमारा घर कब्जा हो रहा है, हमारे पर जानलेवा हमला हो रहा है, आप हमारा। खबर संभल से है, जहाँ सपा और बसपा के समर्थकों में जमकर फायरिंग और पथराव हुआ है, वहीं 5 लोग घायल हुए हैं, कई को गोली लगी है। फायरिंग और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला कैला देवी थाना के गांव मूसापुर का है, जहां दोनों पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसपी चक्रेश मिश्रा का कहना है कि दोनों तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है, 9 लोग हिरासत में हैं। ग्राम मूसापुर थाना कैला देवी के अंतर्गत आज सुबह सूचना मिली कि दो पक्षों में आपस में रोटी बेचने के नाम पर संघर्ष हो गया है। इसमें बाद में पुलिस के द्वारा पहुंचकर तहकीकात की गई तो मौके पर पथराव व फायरिंग का भी सूचना मिली है। इसमें पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों के ऊपर 307 आर्म्स एक्ट और 7 CLA एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया है। कुल 9 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, आपस में रिश्तेदारी है और दोनों में यह ज्ञात हुआ कि सुबह रोटी बनाने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। अभी गाँव में पूर्णतः शांति। खबर संभल से है, जहां यूपी के संभल जिले में शराबी शख्स ने शराब पीने के बाद विवाद होने पर साथी युवक पर ईंट के ताबड़तोड़ प्रहार कर साथी युवक की निर्मम हत्या कर दी। होली के त्योहार के मौके पर दिन दहाड़े शख्स की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। थाना चंदौसी से आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम सनी है, उम्र लगभग 35 वर्ष, इसकी हत्या एक व्यक्ति छुट्टन के द्वारा कर दी गई है। इन दोनों के बीच में शराब पीने के पश्चात आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और मौके से ही जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई के सिलसिले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं।